मेरा नाम संतोष शर्मा, मैं आपको कक्षा फोर्थ का पर्यावरण अध्ययन का पूरा पाठ्यक्रम बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि एनसीईआरटी का कोर्स लागू होना है, ठीक है? तो एनसीईआरटी कोर्स के हिसाब से मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम बताऊंगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो संभव है नहीं। तो हमारे जो रघुनाथ स्कूल ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए और वो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ जाता है, तो आपको इसी माध्यम से करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है कि स्कूल अब खुले या जनवरी में खुले या अगले साल खुले। तब तक ये महामारी से हम नहीं निपटेंगे, तब तक हमें इसी तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं जी। इसमें पहला पार्ट है, पार्ट नंबर एक, चलो चले स्कूल। चलो चले स्कूल, हम स्कूल कई तरीके से जाते हैं। हम अपनी मम्मी पापा की बाइक पर जाते हैं, ठीक है? कोई पैदल चल के जाता है, कोई काफ़ी किलोमीटर तक चल के चलता है, कोई क्या करता है, कुल्लू को पार्क भी चलता है, कोई नदियों को पार्क भी चलता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चलो चले स्कूल। फिर कान कान में, कान कान में पार्ट नंबर दो, इसी सिलेबस का है, कान कान में पार्ट नंबर दो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर एक इसमें एक छोटी सी कहानी आई है, नंदू हाथी। तो नंदू हाथी, हाथी की एक विशेषता है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। फिर पार्ट नंबर चार, इसमें बताया जाएगा अमरनाथ की कहानी, जो जिसने जिसने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया था, और उसके साथ 363 लोग और थे जिन्होंने वो पेड़ उस शहर जो जोधपुर शहर का जो राजा था उसने क्या किया, उनको आदेश दे दिया सैनिकों को कि उस वहाँ से जाके लकड़ियाँ ले लिया। लेकिन अमरनाथ जी को जब पता चला तो वो अपने बेटी के साथ, अपने पति के साथ और अपने कई गाँव के सदस्यों के साथ वो पेड़ों से लिपट गए कि हमारे जान जाए लेकिन हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। तो उन पेड़ के साथ ही उनको काट दिया गया। तो अमरनाथ की कहानी हम फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर पार्ट जो पांच है उसमें हम पढ़ेंगे सलीला और मधुमक्खिया। कौन सा पार्ट है इसमें? पांचों पार्ट, मैंने एक पार्ट पांच बताया आपको। पांचों पार्ट कौन सा? सलीला और मधुमक्खिया। मधुमक्खी की विशेषता, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार इनको रखा जाता है, किस प्रकार इनकी विशेषता की जाती है, क्या आवश्यकता होती है, किस प्रकार इसके राजा रानी और सैनिक श्रमिक किस प्रकार के होते हैं, वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। फिर ओमना का सफर, ओमना का सफर हम पाठ छः में पढ़ेंगे। फिर पाठ सात है, तो उसमें क्या पढ़ेंगे, खिड़की से। खिड़की से, खिड़की से स्टार्ट है। खिड़की कई प्रकार की होती है, हमारे घर के दरवाजों पर, हमारे घर में भी पाई जाती है। लेकिन ये खिड़की मान लो ये डाकू वाली खिड़की भी हो सकती है ना, ये अपने रेलवे स्टेशन वाली खिड़की भी हो सकती है। तो हम ये पाठ, ये तो आपको जब हम पाठ बढ़ाएंगे तभी आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हम आपको पाठ्यक्रम के बारे में बता दें। फिर नानी के घर, नानी के घर तक हम छोटे में जाते हैं, नानी के घर तक। तो हमने बीच बीच में क्या देखते हैं, क्या विशेष करते हैं, हम किस साधन से जाते हैं, वो पाठ नंबर आठ में हम इसको पढ़ेंगे। फिर बदलते परिवार, हमने बच्चों पहले भी पढ़ा था, पिछले जो किताब थी उनमें पढ़ा था कि बुनना जो परिवार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। तो इनके जो पार्ट नौ है तरीके से कोई मामला है, तो हम इसमें वो उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। फिर एकदम इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये पढ़ने में भी हमें यहाँ वर्षी महसूस होती है, जैसे टू 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 टू, हम इसको देखेंगे तो ये लगता है कि आप ये क्या पार्ट है, ये किस अजीब तरीके से पार्ट बनाया हुआ है। लेकिन बच्चों ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको देखने में लग जाएगा हाँ ये सही बताया है, ठीक है? पार्ट 11 फुलवारी, जो पार्ट 11 है उसे हम पढ़ेंगे फुलवारी, ठीक है? ऐसे ही पार्ट है 12, कैसे कैसे बदले घर, सुविधा के अनुसार ये घर किस प्रकार से बदले हैं, कैसे बदले हैं। तब घर हमने बड़ा जाता था कक्षा में, घर दो प्रकार के थे, कच्चे घर और पक्के घर। कच्चे घर क्या होते हैं, जो गोबर बांस और बांस की लकड़ियों से बनाए जाते हैं, झोपड़ी होती है उनको क्या कहते हैं, कच्चे घर कहते हैं। पक्के घर क्या होते हैं, जो क्या आपको किससे बनाए जाते हैं, ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से, लकड़ी से, इनसे मिलकर जो घर बनाए जाते हैं उनको क्या कौन से कहते हैं, पक्के घर। तो कैसे कैसे बदले घर, तो घरों की विशेषता है इस बात में, तो हम उस तरीके से इसको पढ़ेंगे। पहाड़ों से समंदर तक, तो इसमें हम शेयर करेंगे पहाड़ों से करेंगे और साथ में समंदर, समंदर यानी समुद्र, वहाँ तक सारा इसका इस चैप्टर में जो पार्ट तैयार है इसमें हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है? फिर बसवा का खेत, तो पार्ट जो चौथा है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बसवा का खेत। बसवा का खेत है, तो बसवा के खेत के बारे में इसमें जो विशेषता चाहिए, खेत में
में हम क्या लेके चलते हैं, तो भट्टी में किस प्रकार से भंडारण होता है उसके बारे में हम पाठ 15 में पढ़ेंगे। पाठ 16, चू चू करती आई चिड़िया। तो ये एक कविता ही है, तो इस कविता में हम पढ़ेंगे कि चू चू करती आई चिड़िया, तो चिड़िया की विशेषता है और वो किस तरीके से हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेगी। जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तभी आपको हम विस्तारित रूप से बताएंगे। नंदिता मुंबई में, नंदिता नाम की लड़की है जो मुंबई में, तो मुंबई के शहरी वातावरण की विशेषता इसमें बताई गई है, तो हम इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। पाठ 17, नंदिता की, नंदिता और मुंबई में। पाठ 18, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। तो बच्चों हमें पता है पानी कहीं ज्यादा कहीं कम कैसे होता है, कहीं तो सूखा पड़ा रहता है ना, जैसे राजस्थान और रेगिस्तान जो मरुस्थल क्षेत्र है, तो वहां पर बारिश होती है लेकिन काफी मात्रा में क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण वहां पर पानी सूखा पड़ जाता है। तो पानी कहीं ज्यादा कहीं जैसे आसाम है, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर स्कूल बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, बांस के गुटका होते हैं, बांस का जो पुल बनाया होता है उसके सहारे वो क्या करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों से घर आते हैं। तो वहां पर क्या है, काफी ज्यादा मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है, जिसके कारण वहां पर आने जाने में सुविधा नहीं होती है, तो बांस का क्या होती है, पुल बनाते हैं। फिर जड़ों का जाल, जड़ों का जाल, पेड़ पौधे के नीचे जो पानी की विशेषता क्या होती है, पानी वहां से लाया जाता है, तो वो पानी वहां से मिलता है, जड़ों से मिलता है, जड़ों का जाल, जड़ों के जाल के बारे में पढ़ेंगे। जड़ें कौन कौन से प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, इसके बारे में पाठ 19 में हमें इनको पढ़ेंगे, ठीक है। पाठ 20 है, मिलकर खाए, यानी भोजन हमें आपस में मिलकर खाना चाहिए, और भोजन किस प्रकार का खाना चाहिए वो भी आपको पता है, भोजन हमें किस प्रकार का खाना चाहिए, संतुलित भोजन। अगर हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बीमारियों का सामना नहीं कर पाएंगे। COVID-19 से मन जिनमें अत्यधिक होगा, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, इम्यूनिटी ज्यादा होगी, वो इस बीमारी से अच्छे से डटकर सामना कर पाएंगे, तो मिलकर खाए, ठीक है। पाठ 19, खाना खिलाना, यानी खाना खाना और किस प्रकार खिलाना, तो उसमें एक पाठ भी हम किस में पढ़ेंगे। पाठ 22, दुनिया मेरे घर में, हमें पता है, हमने हर क्लास में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी ने कोर्स किया है कि बच्चे का जो प्रथम पाठशाला होती है वो क्या होती है, उसका परिवार ही होता है, बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है, उसकी परिवार ही होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि दुनिया मेरे घर में, वो सारे जो बच्चे की दुनिया होती है वो सारे किसमें होती है, घर में ही होती है। तो पाठ 22 इसमें इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर पाठ 23, पोचम पल्ली, एक ये इस प्रकार की है जो हम इस पाठ 23 में पढ़ेंगे। पाठ 24, दूर देश की बात, यानी दूसरे देश की बात किस तरीके से होती है, तो वहाँ पर क्या क्या विशेषता होती है, वो पाठ हम 24 में पढ़ेंगे। पाठ 25, चटपटी पहेलिया, अब इसमें चटपटी कई प्रकार की पहेलिया है जो हम पाठ 25 में पढ़ेंगे, ठीक है। और पाठ 20, फौजी बहुत की कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें हम पढ़ेंगे और इस विशेषता इससे संबंधित विषय को हमें अच्छे तरीके करेंगे। लास्ट जो पाठ जो 27 है, जो कोशिश भी कामयाब, बच्चों हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे, हाथ भी हाथ अगर के भरे रहेंगे तो हमारी कामयाबी पूरी नहीं होगी, तो हमें कामयाब बनने के लिए हमें पढ़ते रहना है। तो इसीलिए हमारी जो स्कूल की संस्था है रघुनाथ स्कूल है, उन्होंने ये अच्छे कदम उठाया है ताकि बच्चे पढ़ाई से संबंधित जानकारी लेते रहे और अपनी पढ़ाई को पूरा करते रहे। धन्यवाद।